यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही राहुल गांधी की रैली को कांग्रेस के सभी नेता रैली को हिट करने की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में आज सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने तोशाम के कई गांवों का दौरा किया और लोगों को रैली में आने का न्योता दिया। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को राहुल गांधी की रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली होनी है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण समाज का हर वर्ग देश और प्रदेश में तंग आ चुका है। प्रदेश के अंदर किसान, व्यापारी, कर्मचारी और नौजवान वर्ग लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। प्रदेश के अनाज मंडियों में सरसों की खरीद का उठान न होने के कारण सरसों की सरकारी खरीद से वंचित किसान परेशान हो गए हैं और मजबूरी में किसानों को अपनी फसलों को कम दामों में खुले बाजार में बेचना पड़ रहा है। संपर्क एक तो रैली है हमारी 29 तारीख की राहुल गांधी जी के लिए, तो उसके लिए जो है कार्यकर्ताओं को सबको बोला गया है कि पूरी तरह से तैयारी करके राहुल गांधी की जो रैली है दिल्ली के अंदर उस दिन वहाँ पहुँचेंगे। साथ ही साथ गांव के अंदर मैं दौरे इसलिए कर रही हूँ कि आज के दिन हम देख रहे हैं कि सरसों का जो हमारी फसल है उसका हमारे इलाके में उत्थान बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और जो जाति किसानों के साथ करी गई है, मैं समझती हूँ इससे बढ़ के दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि जो किसान, जो अन्नदाता मेहनत करके अपने खेतों के अंदर जो है वो सोना उगाता है, आज मंडियों के अंदर वो जो है सोना वो उसका बिकता नहीं है, दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं।